क्या नाम है आपका? इम्तियाज। आप मुस्लिम हैं? करते कोई बोलता नहीं कि आप मुस्लिम हैं, हमारे पर्व के लिए आप बना रहे हैं तो आपसे नहीं खरीदेंगे, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा बात तो नहीं। सबसे महान त्यौहार हुआ, नेम टेम से बनाते हैं, मुस्लिम है जा रहे हैं मगर नेम टेम से इसको बनाते हैं, बोले कि इनका मेहमान है, हमारा तो कभी नहीं चूल्हा बचता है, बिक जाता है, सब खरीद लेते हैं। हाँ, सब कस्टमर और प्रसादो जो पहुँचा देते हैं, जब से चूल्हा में हाथ लगाते हैं ना, ये सब धर्म हमें। मीट मछली मुर्गा कुछ नहीं खाती? नहीं, नहीं, ये सब पवित्रता के साथ सादा खान। जानते हैं इसमें क्या हो जाता है कि जो कुनेम कर देगा ना, उसको का कर देंगे छठी मैया, उसको चरक फोड़ देंगे। महान त्यौहार है, ऐसे हिंदू का सब पर्व है, होली है, दशहरा है, मगर इस ऐसा शुद्ध को पर्व ना, मट्टी शुद्ध होता है। बिहार के कई मुस्लिम परिवार हिंदुओं के महापर्व छठ के लिए बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा लेकिन ये सच है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी पटना के वीर चंद पटेल पथ पर, और यहाँ बड़ी तादाद में आप सड़क के दोनों तरफ अगर आपको नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ मिट्टी के चूल्हे जितने बेचे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम परिवार हैं, और ये आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। किस आस्था के साथ, किस सद्भावना के साथ ये सब काम कर रहे हैं, इनकी कहानी क्या है, कैसे इस व्यवसाय में ये लोग आ गए, और जब ये लोग ये काम करते हैं तो लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। जुड़े रहिए पूरी वीडियो में, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इम्तियाज। आप मुस्लिम हैं? देखिए, सबसे पहले हमने कहा ना कि जो लोग इनको बनाते हैं वो आम लोग नहीं है, छठ हिंदुओं का त्यौहार है, पर देखिए चूल्हे बना रहे हैं मुस्लिम, ये है एकता भाईचारा। कितने सालों से बना रहे हैं आप? हम तो बना रहे थे, पहले मेरे माँ बना रहा था, तो माँ तो गुजर गया, उसके बाद हम लोग बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग 10 बरस से बना रहे हैं। मतलब पहले आपकी माँ बनाती थी? 40 साल से, आपकी पीढ़ियों से है ये काम, शुरू से है तो ये काम आप लोग करते, कोई बोलता नहीं कि आप मुस्लिम हैं, हमारे पर्व के लिए आप बना रहे हैं तो आपसे नहीं खरीदेंगे, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा बात तो नहीं कभी हुआ है, को आता है बढ़िया से ले जाता है, ऐसा बात थोड़ी है। आपके घर कभी छठ बनाई गई है? ना। अच्छा, छठ का जो भी प्रसाद वगैरह होता है आपके घर कभी आता है? कोई कहूँ ना मांगते हैं तो प्रसाद दे देता है, ऐसा बात थोड़ी है। मतलब छठ पर्व में अभी लोग शामिल होते हैं? जी। देखिए तो यहाँ पे जो ये चूल्हे बनाए जा रहे हैं ये मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार के लिए उसी प्रेम से, उसी भाव से ये चूल्हे आज से नहीं कई पीढ़ियों से बना रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, सड़क के किनारे ही ये लोग लगा कर रखा है इन्होंने पूरा, ये जो लकड़ी वगैरह आप देख पाएंगे ये सारी आम की लकड़ी है, इन्हीं चूल्हों में ये लकड़ी जलाई जाएगी, तो लकड़ी भी बेच रहे हैं साथ में ये चूल्हे भी बेच रहे हैं। यहाँ पर एक माता जी हैं, क्यों ना इनसे भी बातचीत की जाए। क्या नाम है आपका माता जी? उमेदा खातून। खातून, देखिए उमेदा खातून जी हैं, तो आप कितने समय से बना रही हैं चूल्हे? ये बनता है दशहरा के बाद से बनाते हैं। नहीं, आप ये दशहरा के बाद से बना रहे हैं आप लोग, लेकिन आप खुद कितने सालों से बना रही हैं? 35 साल से बनाते आ रहे हैं। 35 साल से? हाँ, 35 साल से बनाते आ रहे हैं। उमेदा खातून जी 35 साल से बिहार के लोगों के लिए बना रही छठ पर्व के लिए चूल्हे। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, आप लोग जब ये चूल्हे बनाते हैं तो बहुत प्यार झलकता है, कभी आपने छठ भी किया है? जी नहीं, इनका दोबा से कुछ नहीं होता है। हाँ। इतना मट्टी उट्टी घिसते कुछ नहीं होता है। हाँ। ऐसे 10-12 चूल्हा दान कर देते हैं परवैती को। दान भी करती हैं आप? हाँ। यानी आप एक मुस्लिम महिला है और जो हिंदुओं की छठ व्रती महिला है या कोई भी है उसको ये चूल्हा दान करती हैं। आप खुद जिस स्थिति में हैं, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं गरीबी आप में भी है, गरीब होते हुए भी आप दान करती हैं छठ के लिए? गरीबता तो है, ये है, कोई रोजगार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या बोलता है, इनका दोबा से सबसे महान त्यौहार हुआ, नेम टेम से बनाते हैं, मुस्लिम में जा रहे हैं मगर नेम टेम से इसको बनाते हैं, खुला जगह में, मेरा घर ऊपर छत्ता पर है मगर फिर भी नहीं बना सकते हैं, बच्चा बुतरू है, जुट्ठा कुट्ठा है, इसलिए खुला जगह में बनाते हैं, 35 साल से रोटे पर बनाते हैं। पूरा साफ सफाई का ध्यान रखने के? साफ सफाई करनी
रखते हैं। छठ की जितनी महिमा है या इस पर्व को लेकर जो कुछ नियम कायदे कानून कहते हैं कि बहुत भूल नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत होनी चाहिए, आपको सब मालूम रहता है? हाँ, सब मालूम रहता है। नेम टेम इसमें जूठा नहीं लगता है, जूठा पानी से नहीं, करियाले से लाते हैं अंदर से पानी, ला के तब सानते हैं, तब इसको 4,000 के, देखिए अभी तो महंगाई है, 4,000 का टेलर मटिए गिरा है, 4 आदमी मिल के बांट लेते हैं, 1,000 का भूसा का गोम का भूसा रहता है वो बनाते हैं। अब देखिए इनका मेहमान है, हमारा तो कभी नहीं चूल्हा बचता है, बिक जाता है, सब खरीद लेते हैं। हाँ, सब कस्टमर प्रसादो जो पहुँचा देते हैं, प्रसाद भी आता है घर, हाँ दे देते हैं। कस्टमर को भी पता होता है कि आप खातून हैं, मतलब आप मुस्लिम महिला हैं, आपको भी पता होता है कि जिसको आप दे रही हैं वो हिंदू महिला है या हिंदू लोग हैं, लेकिन वो जो प्रेम है वो कहीं से कोई कम नहीं है? कोई नहीं है। 35 साल से कर रही है? हाँ, 35 साल से। वो बुढ़ऊ 80 साल से बनाता था, बुढ़ऊ मर गया तो उसको बहू बना रहा है, तभी थोड़ा मजबूरी में है तो अभी नहीं कर रहा है, मगर वो बुढ़ऊ गुजर गया। अच्छा, और ये बाबा जी? बाबा जी नहीं बनाते हैं, इसी चूल्हा रख देते हैं कि बेचे उचेगा, जैसे घर अच्छा। उड़ चल जाते हैं तब बेचते हैं। अच्छा, अभी एगो कस्टमर आया ना, बोले किसे कहने कि हम 100 रुपया देंगे, हम क्या आपको जब माया नहीं लगता है मैम चाहे तो ले जाइए फ्री में ले जाइए, तो कहने कि नहीं फ्री में नहीं ले जाएंगे, पूजा का सामान है तो पूजा में नहीं ले जाएंगे, आपको देना मन है, ऐसे गुस्सा, हम के गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं मैम साहब, आप ले जाइए इसी, तो फिर दे दिन पैसा, कहीं ना फ्री में नहीं लेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ छठ में जगह जगह लोग दुकानें लगाते हैं और जितने छठ व्रती होते हैं, कोई नारियल दान कर रहा है, कोई सूप दान कर रहा है, तो आप चूल्हा दान कर देती हैं? हम चूल्हा दान कर देते हैं, वहाँ फिर मीठापुर में गिरा लेते हैं, नारियल फल गागर लेमू हुआ, आम के लकड़ी देखिए गिरेले हैं, आम का लकड़ी क्या करे, कोई रोजगार नहीं है तो यही सब बाल बच्चा करता है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जब छठ आती है तो एक तो आम साफ सफाई होती है, दूसरा होता है कि शाकाहार, शुद्ध शाकाहार लोग फॉलो करते हैं, तो साफ सफाई मतलब आप लोग भी मांस मांस खाना छोड़ देते हैं इस दौरान? सब नहीं धर्म कर, जब से चूल्हा में हाथ लगाते हैं ना, ये सब धर्म, हमें मीट मछली मुर्गा कुछ नहीं खाती? नहीं, ये सब पवित्रता के साथ सादा खाना, जानते हैं इसमें क्या हो जाता है कि जो कुनेम कर देगा ना, उसको का कर देंगे छठी मैया, उसको चरक फोड़ देंगे, कुनेम कर देगा इसको बनावे वाली चूल्हा तो उसको का कर देंगे, सबसे महान त्यौहार है, ऐसे हिंदू का सब पर्व है, होली है, दशहरा है, मगर इस ऐसा शुद्ध है को पर्व ना, मिट्टी शुद्ध होता है, जैसे पीतल का बर्तन शुद्ध होता है उसका मिट्टी शुद्ध होता है चूल्हा का। आप लोग की पूरा ये जब से शुरू करते हैं चूल्हे का काम, एकदम से शाकाहार में आ जाते हैं? करियाले वाला कितना, लालू जी के करियाले उतना स्टाफ आओ कितना ले जाता है चूल्हा, तो अभी कई बोलिस की 10 गो धर दियो, देखिए गिन के धरा हुआ है उन लोग का, लालू जी के यहाँ घर भी जाता है, सगरो जाता है, देखिए लालू जी के घर भी जाता है, पूरे पटना के लोग इनसे ले जाते हैं ये चूल्हे, और इस चूल्हे की जो खासियत है ये शुद्ध मिट्टी से बनाती है, शाकाहार, सबसे बड़ी बात ये कि शाकाहार यानी मीट मछली मांस मुर्गा बिल्कुल नहीं हाथ लगाते हैं, जबकि इनके कल्चर में है कि रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, खाते ही हैं, लेकिन ये सारा स्वाद किनारे कर देते हैं और छठ को महत्व देते हैं, छठ के लिए आस्था है कि अपने घर से छोड़िए बाहर भी ये लोग हाथ नहीं लगाते, बाहर भी नहीं कहीं खाते हैं। नहीं, ये सब धंधा नहीं करते, नहा धो के पूरा बनाते हैं? हाँ, नहा लेते हैं, नहा धोवा के पाक साफ से इनको छूते हैं। अच्छा। हाँ। जैसे हमने देखा कि चूल्हा वगैरह सब बन रहा है, लेकिन आप इस व्यवसाय में कैसे आ गई, मतलब आप लोगों को कोई और काम नहीं मिला इसलिए आ गई, या किसी ने आपसे कहा कि आप लोग ये काम करिए? नहीं, जैसे अब कोई काम नहीं है, खाली पहले फले बेचते थे। अच्छा। अब कोई काम नहीं था, वो बुढ़ऊ 90 साल का था, गुजर गया, अब वही बुढ़ऊ का देखा देखी हम बनाए, 35 साल बनाते हो रहा है, मगर जैसा बुढ़ऊ नेम धर्म से बनाता था उसी नेम धर्म से बनाते हैं इसमें। वो भी मुस्लिम ही थे? वो भी मुस्लिम ही था। अच्छा। हाँ, वो भी जितना बना रहा है सब चूल्हा पट्टी पट्टी सब मुस्लिम है। मतलब ये पूरा जितना वीरचंद पटेल में जितना हम दूर दूर तक देख पा रहे हैं, यहाँ 10-20 लोग हमको दिख रहे हैं, सब मुस्लिम ही परिवार है। मॉल में लेके चल गया चूल्हा। हाँ। मॉल में ले गया,
साठ सत्तर वो मॉल में ले गया आपसे खरीद कर हाँ। अब वो मॉल से बेचेंगे लेकिन आप जमीन पर ही बैठ कर बेच रही हैं ये जमीन पर। कितने दाम का बिकता वैसे? देखिए 260 का जोड़ा बताते हैं, 100 रुपया देता है कस्टमर तो ले लेते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अच्छा 100 रुपये का एक चूल्हा दे देते हैं? दे देते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्या इसमें छेड़छाड़ करें। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने एक एक बात बताई कि आज से नहीं बल्कि पिछले 35 साल से यहाँ पर ये जो आप जगह देख पा रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम परिवार, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवार ही छठ महापर्व के लिए ये पवित्र मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं। और दूसरी बात कि ये न सिर्फ ये चूल्हे बनाकर बेचते हैं बल्कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, मीट मछली मुर्गा कुछ भी नहीं खाते हैं, और जो मिट्टी वगैरह लेकर आते हैं वो भी एकदम पवित्र तरीके से लेकर आते हैं। और दाम की अगर बात करें तो जो जितना दे देता है उसमें ही ये लोग राजी हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यापार से ज़्यादा ये प्यार लुटाते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं छठ पर्व के लिए, कई बार दान भी कर देते हैं इन्हीं चूल्हों को, जबकि खुद ये कितने गरीब हैं। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने आज हमें बताई है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपने कभी ऐसी खूबसूरत तस्वीर छठ महापर्व पर कहीं और देखी है, जिक्र ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।